Hello and welcome to another session of English with RJ. So today we are going to see the use of possessive adjectives. So last session में मैंने आप लोगों को types of adjective पढ़ाए थे, but काफ़ी students को possessive adjective को लेके कुछ confusions अभी भी थे, और काफ़ी लोग लिखते समय भी possessive adjective और contraction words में काफ़ी गलतियाँ करते हैं. तो ये सेशन एक डिटेल्ड सेशन है, और ये सेशन को देखने के बाद आप कभी भी पॉजिटिव एडजेक्टिव्स एंड कॉन्ट्रैक्शन में गलतियां नहीं करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले हम देखते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव्स कौन कौन से होते हैं. तो माय, आर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, हूज, ये सारे के सारे पॉजिटिव एडजेक्टिव्स की कैटेगरी में आते हैं, और उनका हिंदी मीनिंग भी मैंने आपको दिया गया है. आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, जब भी आप पॉजिटिव एडजेक्टिव इट्स का यूज़ कर रहे हैं तो उसका यूज़ ह्यूमन बीइंग्स के साथ नहीं होता है, बट आप एनिमल्स और नॉन लिविंग थिंग्स के साथ इट्स का यूज़ कर सकते हैं. आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं ये सारे के सारे एडजेक्टिव्स के. डोंट टेक माय पेन, मेरी कलम मत लो. आप देख रहे हो इसमें जो ये हमारा पेन है, जो ये नाउन है, उसमें वैल्यू ऐड कर रहा है ये माय, जो कि पॉजिटिव एडजेक्टिव है. डोंट टेक माय पेन. आर स्कूल इज वेरी फार, हमारा स्कूल बहुत दूर है. आर इज अ पॉजिटिव एडजेक्टिव. योर डॉटर इज क्यूट, सो आपकी बेटी प्यारी है. सो यहाँ पे जो योर है दैट इज पॉजिटिव एडजेक्टिव. His student have performed well in exams. So, उसके छात्रों ने परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन किया है. His is a possessive adjective. This is her dog. यह उसका कुत्ता है. तो यहाँ पे her आपको indicate कर रहा है. Okay, ये कोई female की बात हो रही है. The school is updating its policy. So, यह हम school की बात कर रहे हैं. तो school के साथ His, her, their नहीं आएगा, it's आएगा, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था. Their teacher is on leave, उनके शिक्षक अवकाश पर हैं. तो किसके उनके शिक्षक. Whose bag is this? यह थैला किसका है. चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं common mistakes. So, जैसा कि मैंने आपको बताया, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, possessive adjectives और contraction words को mix कर देते हैं और काफ़ी गड़बड़ हो जाती है. तो मैंने कॉन्ट्रैक्शन का भी एक स्पेसिफिक सेशन बनाया है जिसमें डिटेल में सारा इन्फॉर्मेशन है. तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आपको भी काफ़ी दिक्कत होता है कॉन्ट्रैक्शन वर्ड समझने में, तो आप ये पर्टिकुलर लिंक मैं दे रही हूँ यहाँ पे, इसे रेफ़र कीजिएगा और कॉन्ट्रैक्शन का सेशन देखिएगा. सो सबसे पहला मिस्टेक जो कॉमनली देखा जाता है, लोग क्या करते हैं, वो लोग इट्स लिख देते हैं व्हेन दे मीन इट्स. So, it's जब apostrophe लगा हो उसमें तो उसका मीनिंग होता है it is, वो contraction word होता है it is का. And its possessive adjective होता है it, it का possessive adjective है it's. Example देखते हैं, it's raining outside, the dog is eating its food. It's raining outside मतलब it is raining outside, उसकी बारिश तो बाहर नहीं हो सकती है ना, तो It is वाला it's यूज होगा raining outside में, और the dog is eating its food. यहाँ पे एक बार ध्यान दिया आपने, जैसा मैंने आपको बताया था, dog है मतलब human being नहीं है. जब भी हम human being की बात करते हैं तब respective लगाते हैं, his लगाते हैं या her लगाते हैं या their लगाते हैं, depend करता है किस तरह की बात sentence में हो रही है. लेकिन जब भी हम बात करेंगे non human being की और non living things की, तब आप it's use करेंगे. और आपको कभी भी जब योर बोला जा रहा है तो यू आर का जो कॉन्ट्रैक्शन वर्ड होता है योर, उसका यूज़ नहीं करना है. एंड योर पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है यू का, ये आपको हमेशा याद रखना है. योर नॉट डूइंग योर होमवर्क मतलब ये बेसिकली बोलना चाहिए यू आर नॉट डूइंग योर होमवर्क, जबकि दिस इज़ योर पेन. आप देखेंगे इसे पेन के आगे जस्ट लगा ये, दिस इज़ योर पेन, तो बता रहा है ये पोजेशन बता रहा है. अभी काफ़ी लोग जो ये देर देर एंड देर है उसमें भी कंफ्यूज रहते हैं, जबकि देर प्लेस के बारे में बताता है. देर इज़ अ पॉजिटिव एडजेक्टिव फॉर दे.
और देयर इज अ कॉन्ट्रैक्शन वर्ड ऑफ दे आर. आपको ये अगर डिटेल में तब भी पढ़ना है तो मैं इसका लिंक भी दे रही हूँ, मैंने ये डिटेल में समझाया है एक सेशन में, तो आप उसे देखिएगा और समझिएगा. कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं. Why are you going there? मतलब उधर जाने की पर्टिकुलर बात की जा रही है, जगह की बात की जा रही है यहाँ पे. Cricket is their favorite game. तो यहाँ पे लोगों की बात की जा रही है कि भाई उनका फेवरेट गेम है क्रिकेट, तो इसीलिए दे का जो पजेसिव एडजेक्टिव है देर यहाँ पे यूज हुआ है. दे आर सिंगिंग अ सॉन्ग, तो यहाँ पे दे आर सिंगिंग अ सॉन्ग का हमने कॉन्ट्रैक्शन करके दे सिंगिंग अ सॉन्ग कर दिया है. काफ़ी लोग हुज़ और हुज़ में भी काफ़ी गलतियाँ करते हैं. हुज़ बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन वर्ड है हु इज़ का, जबकि हुज़ पजेसिव एडजेक्टिव है. हुज़ ही प्लेइंग फॉर, वह किसके लिए खेल रहा है. हुज़ बैट आर दीज, ये किसके बैट्स हैं. और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसमें आपको ध्यान रखना है कि हिज और हर का यूज़ कहाँ नहीं करना है. अगर मैंने बोला एवरी वन शुड ब्रिंग इट्स पेन फॉर एग्ज़ाम, सो यहाँ पे तो मैं एवरी वन मतलब ह्यूमन बीइंग की बात हो रही है, तो क्या इट्स यूज़ कर सकती हूँ. नहीं, तो ये सेंटेंस गलत है. एवरी वन शुड ब्रिंग हिज और हर पेन फॉर एग्ज़ाम, ये आप वैसे तो लिख सकते हैं, लेकिन जब मैं बात कर रही हूँ एवरी वन, एवरी वन में लड़के भी हो सकते हैं लड़कियाँ भी हो सकती हैं, तो हिज स्लैश हर लिखने का कोई पॉइंट नहीं है, दिस इज़ नॉट अप्रोप्रिएट. लेकिन अगर आप लिखते हैं एवरी वन शुड ब्रिंग देयर पेन फॉर द एग्ज़ाम, ये एकदम परफेक्ट है, क्योंकि आप जब दे की बात कर रहे हैं, जब एक से ज़्यादा लोगों की बात कर रहे हैं, तब आप देयर यूज़ करेंगे, ना कि इट्स और हिज और हर. सो इसी के साथ हमारा ये सेशन ख़त्म होता है. आई एम श्योर आपको अभी क्लियर अंडरस्टैंडिंग हुआ होगा पजेसिव एडजेक्टिव का, और हैंस फोर्थ आप लोग कोई भी मिस्टेक कमिट नहीं करेंगे. सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ थम्सअप दीजिएगा इसे, एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा. थैंक यू सो मच. हैप्पी लर्निंग टू यू ऑल.